इसको भी मैं वॉश करूँगी। यहाँ पर सारी गंदगी चलती कर रही हूँ सेटिंग पर। ये जो मैं उसे मंसूरा बाज़ार से स्टैंड लेके आई थी, इसको भी अच्छे से वॉश करूँगी और अभी मैं थोड़ी किचन की सेटिंग करूँगी। इफ्तारी के लिए आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन। और चिकन जो है यहाँ पर मैंने फ्रीज हुआ हुआ था, तो इसमें पानी में डाल के रख दिया है, तो इसका भी वेट करेंगे। अच्छा जी, ये चिकन सिर्फ मेरे लिए बन रहा है और मैं आज कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, तो जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये ब्लैक पेपर है जो इसमें मैंने इतना ब्लैक पेपर ऐड किया है, ठीक है। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। उसके बाद मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी और ये इसमें मैंने ऐड किया है 1 स्पून कुकिंग ऑयल का। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बस यही चीज़ें इसमें ऐड करनी थी, ठीक है। इसके हल्दी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और पानी, घी। इसके बाद अभी इसको मैं ढक देती हूँ, ठीक है, और गलने तक का वेट करूँगी। अच्छा जी, तो ये बोले डिश वॉश बार, ये मैं और केसरिया गए थे मार्केट, तो वहाँ से लेके आए थे, तो ये तब का अभी तक पड़ा हुआ है, तो आज मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। मतलब ये डिश वॉश जेल की ज़्यादातर आदत है, मैं इसी से ही बर्तन वॉश करती हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि अभी तक ये बेचारा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा है, डिश वॉश बार कैसा है। 10 रुपये का था, देखते ही यूज़ करके ये कैसे बर्तन वॉश करता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि मूली जो डिश वॉश बार है वो छाक बनाता है या नहीं बनाता और बर्तन किस तरह से वॉश करता है, बस यही चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने कर लिया है वॉश, तो ये देख सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो किचन की कर रही थी मैं यहाँ पर आज क्लीनिंग, तो ये सारे जितने भी स्पून हैं ये मैंने ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, ताकि मिलने में मुश्किल नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ में ये उस दिन मैं $1 शॉप से ये कटिंग के लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए ये लेकर आई थी, ठीक है, इसको भी मैं यहीं पर रख दूँगी, ठीक है। और इसके साथ इसका कवर है, तो ये भी नहीं जाएगा। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हों तो टाइम पर मिलने में भी आसानी होती है, तो ये अच्छा जी, तो इस सेशन की तरफ आ जाएं, तो इसकी भी मैं अभी क्लीनिंग करने लगी, इसको भी सब अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं, ठीक है। तो अभी ये हालत, अब इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, और ये जो माचिस बॉक्स है ना, ये घर पे होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इनको मैं मतलब जब भी मैं जाती हूँ एक बॉक्स ले आती हूँ। इस दफ़ा मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि इनका पता नहीं चलता किसी वक्त ये खत्म हो जाए, घर की सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो इन्हें जो है ना मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ। और ये जो है ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक में रहते हैं, चाय पत्ती मेरे पास स्टॉक में रहती है, लेकिन इस बार जो है पत्ती मेरी फेवरेट नहीं मिली, तो जो कि मैं चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, तो इस वक्त इस दफ़ा भी पत्ती नहीं लेके, नेक्स्ट अभी मेरा फिर दोबारा चक्कर लगा तो लेकर आऊँगी। तो अभी ये सारे बॉक्स वगैरह भी मैं सब यहाँ से उठा लेती हूँ, ठीक है, और इनकी कोई और नई जगह बनाते हैं। इसको मैंने कर दिया है अच्छे से नीट एंड क्लीन। आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, ठीक है, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा मैंने कर दिया है और क्लीन अच्छे से, ठीक है। और बर्तन जो है वो मैंने यहाँ पर सब वॉश करके रखे हैं, जब तक ये ड्राई होंगे, और ये ड्राई होगा
तो बस वेट करेंगे, जैसे ही बर्तन भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, गीले बर्तन अंदर नहीं रखने क्योंकि लकड़ी जो है वो फूल जाती है। तो जैसे ही ये ड्राई होता है और ये भी सब जो है वो ड्राई होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक्यूरेट करके चीज़ें सब रखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो चिकन मैंने बनाया था, थोड़ी देर अभी आपको दिखाया था, वो कुछ अब इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये चिकन मेरा रेडी है, पानी जी फ्रेंड्स, तो ये इफ्तारी में मैंने आज बनाया है, ये थोड़ा सा खरबूजा था, ये थोड़ा सा फ्रूट है, ठीक है। ये चिकन जो मैंने बनाया है ये है पानी, तो मैं इसे करूँगी रोज़ा इफ्तार। तो जल्द से मैं बस इफ्तारी करती हूँ, इफ्तारी हो चुकी है, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इफ्तारी मेरी हो गई है, इफ्तारी मैंने कर ली है, चिकन बहुत ही यम बना था, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा यम बनता है इस तरह से, भी बिल्कुल भी चिकन में स्मेल नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो। एंड उसके अलावा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने एक दो मंथ पहले एक कंफर्टर मंगवाया था जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी, बट मुझे मतलब टाइम नहीं मिला या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो और साथ में थोड़ी सी मैं अम्मी की शॉपिंग कर गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपने लिए क्या लेके आई थी वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप जाके जल्दी से वो देखें और मैं पीती हूँ चाय, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने एक बेडशीट मंगवाई थी ऑनलाइन, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारी लगी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि उसमें कितने पीस हैं और क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप कि ये जनाब बेडशीट है, ठीक है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ जी। जनाब तो आप ये देख सकते हैं जी, ये बेडशीट है, ठीक है। यहाँ से ये येलो कलर और ये ब्राउन कलर की है, ठीक है, मेरे रूम के साथ ये मैच करती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी, इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं ये इसका कलर है, ठीक है। और साथ ही में ये है जी जनाब, इसमें साथ एक कंफर्टर है, ठीक है, और कंफर्टर भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जी जनाब। तो ये है जी इसका कंफर्टर, ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसमें शेड ये ब्राउन कलर है, ठीक है, बिल्कुल जैसे ऊपर से है, ठीक है, ये कलर है इसका। ये इसके साथ जी कंफर्टर है। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो डार्क कलर ये मेरे रूम के साथ तो ये मैच करता ही था, बट डार्क कलर की एक और क्वालिटी ये है कि ये जल्दी से जो है ना, ये मतलब ये कुछ दिन निकाल जाता है, ये बहुत जल्दी जो है ये इसका कलर ख़राब नहीं होता, मैला नहीं होता, ठीक है, दाग नहीं लगते इस पर। और जी जनाब, सेकेंडली इसके साथ जी ये हैं जी तो पिलो इसके साथ, ठीक है, पिलो कवर, ठीक है, बहुत इसकी नाइस क्वालिटी है। तो दो ये वाले पिलो हैं और दो ये येलो पिलो हैं, ठीक है, ब्राउन एंड येलो की दो शेड्स आ रही हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है ये मैंने मंगवा के रखे हुए थे, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर करना था, तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। साथ में ये एक कवर है जी, कुशन कवर, ठीक है। तो ये कितने पीस हो गए, बेडशीट, कंफर्टर, 4 पिलो, ठीक है, और 1 ये कुशन, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जनाब मैंने 2 सूट लिए थे, कि मैंने अपने लिए लिया था, ठीक है, मैं वो आपके आपको दिखाई देती हूँ, आप देख सकते हैं ये 2 पीस है, ठीक है। और ये इसका फैब्रिक भी मतलब काफ़ी फाइन है, ठीक है, तो ये सीज़न जो है वो चल जाएगा इसके साथ जो है ना। तो ये इसकी है जी ट्राउज़र है ये, ठीक है, और ये कलर जो है ये ग्रे कलर है,
ठीक है, ग्रे कलर है ये, और ये ट्राउज़र है, और इसके साथ ये जो है ना ये इसकी शर्ट है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये ना मैंने अपनी अम्मी के लिए जो है पसंद किया था, उन्होंने बोला हुआ था मुझे कि मेरे लिए जब भी जाओ तो दो लेके आने हैं, तो सूट ले आना, तो फिर मुझे ये अच्छे लगे, तो मैंने ये एक अम्मी के लिए जो है लिया। तो मुझे ये इतना फाइन लगा, इतना मुझे अच्छा लगा तो कि मैंने भी ये देखें कि मैंने अपने लिए ये ले लिया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसका क्या बनवाऊँ, तो बस यही डिसाइड कर रही थी, तो अब देखें कि इसका मैं क्या बनवाती हूँ। सो उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो ये है, ठीक है, नेवी ब्लू कलर का। ये भी मैंने अम्मी के लिए लिया है, ठीक है, अम्मी के लिए मैंने दो लिए हैं, ठीक है, ये मैंने मून मार्केट से लिए हैं, ठीक है, मून मार्केट लाहौर इलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट जो है ना वहाँ से लिए। ये भी 1400 का ही है, और वो जो ग्रे वाला है वो भी 1400 का ही है, ठीक है। और इसके साथ जो ट्राउज़र है ना वो ये इसके साथ ट्राउज़र है। तो ये भी अभी अम्मी के लिए मैंने अभी लिया है, ठीक है, दो अम्मी के और एक में, ठीक है। तो ये एक बॉटल ये मैंने ली थी 160 की, मैं $1 शॉप पर गई थी, ठीक है, उनके सामने जो शॉप मैंने आपको दिखाई थी 160 जिसकी प्राइस थी, वहाँ से ही मैंने ऑयल के लिए ली थी, ठीक है, तो मुझे ये अच्छी लगी थी 160 की, तो मैंने ये एक ही ली थी ऑयल के लिए। ऑयल आप इसमें सिर्फ ऑयल ही नहीं, आप देख सकते हैं केचप है, मायोनीज है, आप कुछ भी मतलब इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद जनाब आ जाते हैं ये स्पून जो थे, ये ब्लैक कलर के, ये मैंने 160 के तीनों 160 के हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ही ली जाए, सस्ती हो, अच्छी होनी चाहिए, देखने में दिल को अच्छी लगनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में लेनी चाहिए। मैं सस्ती या महंगी नहीं देखती, चीज़ की क्वालिटी देखनी चाहिए, एंड अगर सस्ती भी हो तो 160 मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं थे। तो ये मैंने तीन ये स्पून लिए थे, ये भी मैंने मंसूरा बाज़ार लाहौर जो $1 शॉप पे की थी उसके सामने वाली शॉप 160 की जो सेल लगी हुई थी वहाँ से ही ये भी मैंने लिया। सेकंड ये देखें, ये मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा था, और ये मैंने ना मून मार्केट से लिया था, इसके अलावा ये मैंने एक ली थी जी हजाब कैप, ठीक है, तो ये 150 की बता रहे थे, तो ये मैंने 100 रुपीज़ की ली है भाई से, ये भी मून मार्केट से मैंने ली थी। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं ये दिखा रही थी, तो ये मैंने हजाब कैप मुझे चाहिए थी, तो एक ये मैंने ले ली 100 रुपीज़ की। ये एक अदद टिशू रोल मैंने लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे एनी टाइम मुझे फ्लू का बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मेरे लिए टिशू होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने एक टिशू का रोल लिया था, ये भी 160 में मैंने वहीं से ही लिया था, ठीक है। तो इसके अलावा जनाब सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो चीज़ है जी वो है जी मेरे माइक, ये मैंने लिए थे, ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो क्योंकि जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मेरी वॉइस जो है वो अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन चुका हुआ था। जो अभी एक और प्रॉब्लम बन गई मेरे मोबाइल के साथ जो है वो टाइप सी की जो है ना वो मतलब वायर नहीं यूज़ होती, तो ये टाइप सी के साथ या आईफोन के साथ यूज़ होता है, तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं हम, क्या बनता है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, तो ये भी मैंने ले लिया। तो जनाब ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी आज की शॉपिंग, ज़रूर बताइएगा। अजी जनाब, तो मैं डीप क्लीनिंग आज में जो स्पेशली सब कुछ मतलब बर्तन लगाने से पहले जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वो ये कि आज मेरा बहुत बचका हो गया। बचका जनाब ये हुआ कि मैं सोच रही थी कि डीप क्लीनिंग करते हैं और सारे किचन के जो बॉक्स जो है ना वो सब जो है ना मैं मतलब सारे क्लीन करती हूँ, तो जी करते करते मुझे ये पता चला कि मेरी तो पानी वाली मोटर ही ख़राब हो चुकी है।
तो इसलिए मेरा सारा काम जो है वो बीच में रह गया। तो मोटर वाले को फिर बुलवाया, अभी मोटर उतरवाई है, अब कल वो ठीक होके आएगी, तो बाकी का जो काम है वो फिर हम लोग करेंगे कल, आज सिर्फ ये ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी फ्रेंड्स, तो मेरी आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।